गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आपकी भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैक पेन को दूर करने की बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेज, जिसे आप इस थोड़े से एरिया में एक मैट की हेल्प से उन एक्सरसाइजेज को फॉलो करके अपने बैक पेन से हमेशा के लिए रिलीफ पा सकते हैं। बैक पेन आजकल के समय में हर किसी को बहुत ज़्यादा होने लगा है, बिकॉज हम लोगों का इस बीमारी की वजह से सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। घर बैठे बैठे हमें बहुत लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसकी वजह से 25 साल की उम्र में ही हमें कमर दर्द, मांसपेशियों में सूजन की शिकायत होने लगी है, आपका पूरा बैक जाम हो जाता है, आप उठ बैठ भी नहीं पाते हैं। तो बस इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें और फिर देखें अपने अंदर आने वाले बदलाव। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है @ishramehra। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पोस्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत होगी एक पिलो की। ठीक है, ये तकिया मैंने ले लिया है। इस पिलो को मैं अपने इस साइड पे हेड की पोजिशन पे आपने रखना है और इस पे आराम से पीठ के बल लेट जाना है। इस तरीके से आप तकिए पर लेट जाइए, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने लेग्स को बिल्कुल लंबा कर लीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को इस तरीके से, फर्स्ट पोजीशन रहेगी, आपने फोल्ड करना है, राइट। उसके बाद में आपने इतना गैप रखना है कि जिस वजह से आपका एक हैंड कमर के नीचे जा सके। आपने अपनी कोर मसल को बिल्कुल एंगेज करके रखना है, यानी अपने पेट को बिल्कुल स्क्वीज करके रखना है। उसके बाद आपने बिल्कुल अपने स्लाइटली से हिप को ऊपर उठाते हुए, देन नीचे ले जाते टाइम जब आप नीचे रखेंगे मैट से, तो बिल्कुल प्रेस करना है अपने हिप को, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है, कोर को एंगेज करके रखना है। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बैक पे इसका बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ रहा है, जिससे कि वहाँ का पेन आपका दूर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कम से कम आपने 20 दफ़ा रिपीट करना है। आपने खाना खा रखा हो, एक घंटा हो चुका हो, तो पूरे दिन में कभी भी इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने हिप ब्रिज करना है, जो बहुत ही इफेक्टिव है, आपकी बैक की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और वहाँ के पेन को दूर करता है। तो आपने इस तरीके से अपने हिप को ऊपर होल्ड करना है, लिफ्ट करना है, देन होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। पेट को अगेन आपने बिल्कुल सिकोड़ के रखना है, टाइट करके रखना है मसल्स को, देन रिलैक्स। रिलैक्स होते टाइम वही आपको हिप को बिल्कुल मैट से सटा के रखना है, प्रेशर देना है, आपकी कमर के बीच में गैप होगा और उस एरिया पे स्ट्रेस जाएगा, ठीक है। अगेन इसको रिपीट करते हैं, सेम इसको आपको कम से कम 20 दफ़ा रिपीट करना है पूरे दिन में। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पिलो को मैट पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है लाइक दिस। आपको अपनी वन लेग को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आपकी जब कमर में दर्द होगा तो आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन आपने जितना बेस्ट हो सके उतना आपने अपने नी को अपने फेस के पास तक लेकर जाना है, चेस्ट तक टच करने का ट्राई करना है, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप अपना बेस्ट दे सकें। उसके बाद आप 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे होल्ड करके रखें पोजीशन, देन रिलैक्स। सेम अदर लेग पे भी आपने ऐसे करना है और ऐसा कम से कम आपको 20 दफा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ।
अगर आप लेग्स को फोल्ड करना चाहें तो आप फोल्ड करके इस लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी लेग को स्ट्रेट रख के भी अपनी वन लेग को फोल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपने अपने दोनों लेग्स को अपनी चेस्ट के पास लेकर जाना है और उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका हेड आपके पिलो पे ही रहेगा, 30 सेकेंड्स होल्ड देन रिलैक्स। इस प्रोसेस को भी कम से कम आपको 20 दफा फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल स्लो मोशन में आपकी लेग्स डाउन जाएंगी, देन दोबारा अप करिए, होल्ड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको छाती के बल मैट पर लेट जाना है, लाइक दिस, रिलैक्स। अपनी चेस्ट के पास अपनी हैंड्स को प्लेस करिए, उसके बाद अपनी बॉडी को अपने पंजों पर अपनी बॉडी को सपोर्ट देना है, देन उसके बाद अपनी हाफ बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है एंड देन 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड, देन फिर रिलैक्स। और इस प्रोसेस को कम से कम आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है। रिलैक्स, डन। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको कैट एंड काउ पोज को फॉलो करना है। अपने हैंड पे सपोर्ट देते हुए अपने पैरों से बिल्कुल आगे आ जाइए, इस तरीके से अपने पैर को पूरे अपने पंजों को पूरे अपने पैर को अपने मैट से टच करना है, देन अपनी नेक को बेंड करना है। नीज आपके बेंड नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे। टेन सेकेंड्स होल्ड, नी डाउन, हिप बैक साइड पे करेंगे, कमर को बेंड करेंगे, अपने पैरों को इस तरीके से फ्लैटन करते हुए ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ आपका हेड रहेगा और आईज रहेंगी। अगेन अपने पूरे फीट को सपोर्ट देते हुए अपने ऊपर वाले पोर्शन को बेंड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से अपने पैरों को पीछे फोल्ड करते हुए इस तरीके से बैठ जाना है, देन उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल आगे लेके जाना है, अपनी बॉडी को जितना आप आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है,
पोजीशन को कम से कम आपने 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स, और इसी प्रोसेस को कम से कम आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है। तो चलिए मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। रिलैक्स अगेन, इसको प्रोसेस करेंगे। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन वाला बैक एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे फॉलो करें, और आपके बैक में इसको फॉलो करने के बाद क्या क्या चेंजेस नजर आए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। पटना की है बबली, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को लाने के लिए, जो मैं आपके सामने लाई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से मैं आपके सिटी नेम विद योर नेम कोई वीडियो शूट करूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशन रखें, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।